अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून मैम, मैं कंपनी से बोल रहा हूँ। रिशु जी से बात हो रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं रिक्की का फ्रेंड बोल रहा हूँ, उन्होंने बताया आपके साथ एंगेजमेंट होने वाली है उनकी। हम साथ में एक ही कंपनी में काम करते हैं ना। हाँ जी। तो मैम आप खुश नहीं लग रहे? नहीं खुश हूँ, मैं हैरान हो गई कि आप फोन कर रहे हो ना, इसलिए नंबर किसने दे दिया? रिक्की ने दिया, सारा दिन आपकी बातें करता है। मुझे कहता कि अगर मैं उसे पहली बातें बताऊं तो क्या होगा। मैंने कहा देख तेरी शादी एक छोटी सी बात हुई है। क्यों? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। बस मुझे एक चीज का है, ना तो उससे झूठ बोलो ना उसको धोखा दो। Exactly. जो भी है वो ये परमात्मा का समझो देन है, जैसे ठीक है। बिल्कुल, उसे जो दे बहुत बहुत, और वो तुम्हें इतना प्यार करता है। परसों की बात है, अंजना आई, अंजना ने उसे बात करनी चाहिए, रिक्की ने साफ मना कर दिया। मुझे अच्छा लगा। बात करनी मना कर लिया? तुम्हें बताया था ना उसने? किसने? रिक्की ने बताया कुछ तुम्हें? आप बताओ क्या बताया? नहीं नहीं, वो चलो मैं तुम्हें बाद में फोन करूं। नहीं अभी आप बताओ, अब आप उसको फोन करोगे, पूछोगे, फिर बोलोगे कि उसको रिशु को बताया या नहीं। मैं आपका छोटे भाई जैसा हूँ, यू मेरे पे यकीन करो। अंजना उस दिन आई, रोती रही, कहती है इसने किसी और के साथ रिंग सेरेमनी करने के बारे में सोचा कैसे। रिक्की ने साफ कहा कि यार देख, अब जो था था, अब मेरी जिंदगी में सिर्फ रिशु है। कब तक रही इसके साथ? अरे इनका तो 4 साल से रिलेशन था, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर ये ड्रिंक बहुत करने लगा था ना रिक्की। हाँ जी, लेता है? आपको नहीं बताया वो ड्रिंक करता है? नहीं, उसने बोला कि मैं नहीं पीता। अब थोड़ी पीता है वो, कभी कभी एक आधा पैग लगा लिया, ऐसे नहीं पीता वो। हाँ मुझे बोल रहा था एक बार। और हाँ, आपको भी अंजना का फोन आया, आप पिक मत करना। पिक करूंगी मैं और पूछूंगी, जरूरत क्या है। वो तो खुद बोल रहा था कि 4 साल किस लड़की के साथ मैंने अफेयर किया। तो 4 साल तो मेरे साथ हुए हैं। मतलब अंजना नाल और तुहाडे नाल एक टाइम ते करदा सी गल। मैं पहले ही शक करती थी तेरी लाइफ में कोई है। मुझे बहुत गंदा, मैं आपको बताऊँ ना मेरा क्या हाल किया इस लड़के ने, तो बात करने में थोड़े दिन से बंद कर दी है। मैसेज भेजता है बस, कहता मेरे पास व्हाट्सएप पे, मेरे पास टाइम नहीं है। अब इसकी लाइफ में अंजना नाम की लड़की थी, अब और मेरे दिमाग खराब हो गया। सब कुछ इसने मेरा ना खत्म कर दिया, जैसे मैं से झूठ बोलता रहा हर चीज का। मैंने इसका हर जगह पे इसके दुख सुख में इसका साथ दिया। अब लड़ाई होने लगी तो बोल, अरे प्लीज तुसी रोवो ना। क्या बोलूं, मुझे मेरे बोल भी नहीं हो रहा इतनी बातें सुन के। प्लीज रोना बंद करो पहले, मैंने पता तुसी रो रहे हो। मैं तो बहुत टेंशन में हो गई। तुसी रोना बंद करो पहले। नहीं मैंने ये रोना, पहली बार मैंने प्यार किया, कसम खा के कहती हूँ, किसी भी मंदिर में कहीं पे भी चले जाओ, इसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। पागल नहीं हूँ इसके लिए। एक बात कहूँ? बोलो। मैं पक पक दीपक बोल रहा रेडियो मिर्ची, तो मैंने पता है कि बहुत ज्यादा तुम्हें गुस्सा आ रहा है। मैं कान फड़े हुए हैं, कुकड़ू कुकड़ू कह दो और गल मुकाओ। हे भगवान, कुकड़ू कुकड़ू कहो फिर। मुर्गी की भी बागियां नहीं देती।